आईपीआर लॉ लेक्चर्स के इन वीडियोस के माध्यम से हम आईपीआर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमने अपने पिछले वीडियो में पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट क्या है और पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के केस में पेटेंटी को या पेटेंट होल्डर को क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। तो पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट और रेमेडीज अवेलेबल टू दी पेटेंटी इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, इन दोनों टॉपिक्स को कवर कर लिया था। अक्सर आपके एग्जाम में पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के बारे में पूछा जाता है, राइट? आज हम पेटेंटी के या पेटेंट होल्डर के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे, राइट? देखो, हमारा जो पेटेंट एक्ट है 1970 का, ये अपने आप में एग्जॉस्टिव है, ये अपने आप में कंप्लीट है। और ये एक्ट पेटेंटी के कुछ राइट्स और कुछ ऑब्लिगेशंस के भी बारे में बात करता है। इंडिया में जो भी लॉज होंगे पेटेंट के रिगार्ड में, वो रेगुलेट होंगे पेटेंट एक्ट 1970 से। और ये जो एक्ट है, ये पेटेंटी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रिविलेजेस को डिस्क्लोज करता है। तो क्या क्या राइट्स हैं पेटेंटी के, आइए समझते हैं। राइट्स ऑफ पेटेंटी, पेटेंटी के क्या क्या राइट्स हैं? पहला, राइट टू एक्सक्लूड अदर्स। जैसे ही पेटेंट होल्डर अपने इन्वेंशन के रिगार्ड में पेटेंट करा लेता है पेटेंट एक्ट 1970 के तहत, तो उस पर्टिकुलर इन्वेंशन या उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर, उस पर्टिकुलर प्रोसेस पर एक्सक्लूसिव राइट्स केवल और केवल उसका रहता है। नाउ, जब हम एक्सक्लूसिव राइट्स के बारे में बात करते हैं ओवर एनी प्रॉपर्टी, तो बेसिकली हम चार राइट्स के बारे में बात करते हैं। राइट टू यूज, राइट टू डिस्पोज, राइट टू डिस्ट्रॉय एंड लास्ट वन क्या है, राइट टू एक्सक्लूड अदर्स, ठीक है? तो वंस पेटेंट होल्डर गेट्स हिज इन्वेंशन पेटेंटेड अंडर पेटेंट एक्ट 1970, तो उसके पर्टिकुलर इन्वेंशन को लेकर के उसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स अवेलेबल हो जाते हैं और उसे पावर मिल जाता है कि वो दूसरे पर्सन्स को उसके सेम इन्वेंशन का कॉपी करने से रोक दे, यूज ना करें, सेल ना करें बिना पेटेंटी के अप्रूवल के, राइट? तो पहला राइट क्या है, राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम यूजिंग मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग हिज हर इन्वेंशन या इनोवेशन या प्रोसेस कॉन्सेप्ट विदाउट अप्रूवल। दूसरा राइट क्या है, राइट टू लाइसेंस। देखो, पेटेंट होल्डर या पेटेंटी के पास अपने पर्टिकुलर इन्वेंशन को लेकर के इकोनॉमिक राइट्स
या इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेने का पूरा अधिकार होता है, तो वो अपने इन्वेंशन को दूसरे पर्सन्स को लाइसेंस के तौर पे यूज़ करने के लिए दे सकता है और बदले में इकोनॉमिक बेनिफिट्स रॉयल्टीज के फॉर्म में ले सकता है, लाइसेंस फीस ले सकता है। तो पावर टू ग्रांट लाइसेंस ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल फंक्शन इन सेफ गार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बाई प्रोवाइडिंग लाइसेंसेस प्रोपराइटर कैन मैनेज द यूज ऑफ देयर प्रॉपर्टी एंड मेक सर्टेन दैट इट इज नॉट यूटिलाइज इन मैनर दैट ब्रीचेस देयर राइट। तो बेसिकली अपने इन्वेंशन के ऊपर जो राइट्स होता है, पेटेंटी अपने उन राइट्स को दूसरे पर्सन को असाइन कर सकता है, लाइसेंस दे सकता है, लेकिन जो यूज होगा वो टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत होगा। तो राइट टू लाइसेंस अदर्स तीसरा क्या है, राइट टू शू फॉर इन्फ्रिंजमेंट, राइट टू शू फॉर इन्फ्रिंजमेंट। नाउ व्हाट इज पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट क्या है? तो पेटेंटी के राइट्स का किसी भी प्रकार से वॉयलेशन बिना उसके कंसेंट के, बिना उसके अप्रूवल के, बिना उसके परमिशन के, दिस पर्टिकुलर एक्ट इज नोन एज इन्फ्रिंजमेंट, राइट। तो अगर पेटेंट होल्डर ने अपने इन्वेंशन का पेटेंट करा रखा है, तो अगर कोई थर्ड पर्सन इन्फ्रिंजमेंट करता है उसके राइट्स को, उसके इन्वेंशन के रिलेशन में वो वॉयलेट करता है, दिस इज नोन एज पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। तो इसके केस में पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के अगेंस्ट में इन्फ्रिंजर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है पेटेंटी या पेटेंट होल्डर, ठीक है। पेटेंटी इन इंडिया कैन शू द इन्फ्रिंजर फॉर डैमेजेस इफ समवन इन्फ्रिंजेस ऑन पेटेंट, बट इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश इन्फ्रिंजमेंट पेटेंटी मस्ट शो दैट इन्फ्रिंजिंग प्रोडक्ट और प्रोसेस फॉल्स विद इन स्कोप ऑफ पेटेंट क्लेम्स। तो अगर आपने अपने प्रोडक्ट, अपने इन्वेंशन या अपने इनोवेशन का पेटेंट करा रखा है, तो आपको ये लीगल राइट मिल जाता है कि इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट यू कैन टेक लीगल एक्शंस, आप लीगल एक्शंस ले सकते हो। लेकिन फिर आपको ये प्रूफ करना होगा कि जो भी डैमेजेस आपको हुए हैं वो विद इन द स्कोप ऑफ पेटेंट क्लेम्स हैं, यानी जो भी क्लेम आप कर रहे हो कि इन्फ्रिंजमेंट के वजह से आपको ये डैमेजेस हुए हैं, तो ये जो डैमेजेस होंगे ये विद इन द स्कोप ऑफ पेटेंट क्लेम्स होने चाहिए, यानी आपका जो क्लेम है वो वैलिड होना चाहिए एज पर द प्रोविजंस ऑफ पेटेंट एक्ट 1970 होना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर सम राइट्स, दीज आर सम मेजर राइट्स विच आर अवेलेबल टू पेटेंट होल्डर इफ हिज इन्वेंशन और इनोवेशन इज पेटेंटेड अंडर पेटेंट एक्ट 1970, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस। इन राइट्स के साथ साथ पेटेंट होल्डर के कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं, कुछ लाइबिलिटीज भी हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पेटेंट होल्डर की, चलिए क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं। पहला ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन, ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन,
obligation to disclose information. One of the obligations of patentee is to disclose information about the invention to the public after expiry of specified period of time. This is necessary to ensure that public has access to the knowledge embodied in the invention, which can facilitate further innovation. तो हम जानते हैं कि जब हम अपने प्रोडक्ट को पेटेंट कराते हैं तो जो हमें एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होता है, 15 से लेकर के 20 सालों तक का पेटेंट पीरियड हो सकता है। उसके बाद जो आपका इन्वेंशन है वो विद इन द पब्लिक डोमेन आ जाएगा, यानी पब्लिक में आ जाएगा, ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो, लोगों का वेलफेयर हो। तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्रोटेक्टेड पीरियड आपका जो इन्वेंशन है वो फॉल करेगा पब्लिक डोमेन में, वो पब्लिक हो जाएगा, और आपको डिटेल में बताना होगा कि किस प्रोसेस का यूज करके आपने इस इन्वेंशन को बनाया, ताकि इसमें समय के साथ साथ और भी इनोवेशन हो सके और लोगों का जो लाइफ है, जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो बढ़ सके, सोसाइटी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ सके, राइट? तो दिस इज the obligation or this is the liability of patent holder to disclose his information in detail to the public after expiry of patent period. Dusra kya hai? Obligation to pay maintenance fees. Patentee must pay maintenance fees to keep patent in force. First maintenance fees is due at the end of second year from the date of filing patent application, and subsequent maintenance fees are due at end of every year thereafter. Failure to pay maintenance fees can result in patent being revoked. तो ये आपका ड्यूटी है कि आप टाइम टू टाइम मेंटेनेंस फीस पे करो। और मेंटेनेंस फीस का पीरियड क्या होता है? तो जिस दिन आपने पेटेंट लेने के लिए एप्लीकेशन फाइल किया उस दिन से लेकर के आफ्टर 2 ईयर्स आपका पहला मेंटेनेंस फीस ड्यू हो जाएगा, और उसके बाद आफ्टर एवरी 1 ईयर आपको मेंटेनेंस फीस पे करना होगा। अगर आप मेंटेनेंस फीस पे नहीं करते हो तो आपके पेटेंट को रिवोक कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है? तो ये है कुछ राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पेटेंट होल्डर। वैसे तो कई राइट्स हैं, कई लाइबिलिटीज हैं पेटेंट होल्डर के, लेकिन जो मेजर राइट्स हैं जिन्हें आपको एग्जाम में हर हाल में लिखना है वो ये 3 राइट्स और ये 2 लाइबिलिटीज। तो अगर ये वीडियो आपको किसी मैनर में इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, थोड़ी क्या बहुत ख़राब थी, इसलिए वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रहे थे। अब कोशिश यही रहेगा कि वीडियोस रेगुलर आएँ, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।